ये है श्री अमरचंद टेढ़े का घर। ओ माफ कीजिएगा, स्वर्गीय श्री अमरचंद टेढ़े, ये नाम से नहीं काम से भी टेढ़े थे। इनकी ये सुराहीदार गर्दन हमेशा से टेढ़ी नहीं थी, मगर धीरे धीरे हो गई। ओहो, ये अपनी गर्दन को टेढ़ा करते रहे, कभी ब्रश करते वक्त तो कभी खाते वक्त, यहां तक कि व्यायाम करते वक्त भी। और अब ये इनकी कोई आदत नहीं बल्कि एक बीमारी है, और ये बीमारी या कहें महामारी जाने अनजाने में ही हम करोड़ों हिंदुस्तानियों को हो गई है। फिर चाहे वो रेस्टोरेंट हो या सैलून हो या किसी डॉक्टर का क्लिनिक या फिर कोई ऑफिस या फिर वकील साहब का चैंबर, सभी इस महामारी के शिकार हैं, और इस महामारी का कोई इलाज नहीं बल्कि सिर्फ नतीजा है। काश मिस्टर टेढ़े को इस नतीजे का अंदाजा होता कि चलेगा तो ये कहीं पर भी नहीं, मगर ड्राइविंग के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। ये लो एक और मिस्टर टेढ़े।